मुरली का हेडलाइन है, सार है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा, क्या दिल ने कहा? मैं बाबा का, आगे बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा संकल्प किया ना, अनुभव किया ना। तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है या नहीं? माया जीत आप ही है ना, या भी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के तो रॉयल रूप हैं। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वे नए नए रूप में अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और करेगी भी। लास्ट तक वो करेगी, क्योंकि उसके पास है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो यूज तो करेगी, फिर आपके पाँव में झुकेगी, फिर आपके पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। किन के आगे झुकेगी? जो उस समय हिलेंगे नहीं, उनके आगे तो झुकेगी ना। सिर्फ इसमें बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, न कोई मुझे सम्मान दे तो मैं दूं, बाबा कहते ये राइट नहीं, ये यथार्थ नहीं। सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। अच्छा, अब हम प्यारे बाप दादा की याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली, बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया और प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सन्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हैं, तो ये भी माया की खात्री करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। ये थे आज के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है, ये है बाप समान बनने की विधि। इसमें दृढ़ता अपनानी है। आज का अव्यक्त इशारा है, योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, गलानी को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।